بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي شرح دعاء مكارم الأخلاق اللهم وفر بلطفك نيتي हमने इसका तर्जुमा पिछली नशस्त में किया कि दो लफ्ज़ हैं वफ़र और लुत्फ़, और जो मुनासिब तर्जुमा अहल बैत इस कलाम में यह है कि खुदा मेरी नियत को बचा अपने लुत्फ़ से, यानी अपनी तदबीर से। कि खुदा जब इस पूरे कायनात में अपना तसर्रुफ़ दिखाता है, अपना कब्ज़े कुदरत दिखाता है, तो खुदा बहुत बड़े बड़े काम भी खामोशी से करता है। अल्लाह के कामों में कोई शोर शराबा नहीं होता, वो नाजुक पना होता है। इतनी खामोशी से अल्लाह काम करता है कि इंसान को पता भी नहीं लगता। तो खुदा उस ही तदबीर से और उस ही हिकमत से मेरी नियत को शैतान के ख़तरों से बचा। ये हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि शैतान एक ऐसा मौजूद है जो बहुत ख़तरनाक है। दुश्मन शिनासी इंसान को आनी चाहिए, और हमें कोई और बता भी नहीं सकता सिवाय अहले बैत अलैहिस्सलाम के कि शैतान किन किन दरवाज़ों से दाखिल होता है। एक तो मोटी मोटी इबादतें हैं, हम मेंबर से उन इबादतों के लिए लोगों को रग़बत दिलाते हैं, लेकिन ये जो दर्स हैं ये समझें वो नाजुकपन, वो दिरायतें जो इंसान की इबादत में होनी चाहिए। इसके सिर्फ नमाज नहीं पढ़नी, उसमें अमल को कैसे पाक करना है, जहन को कैसे पाक करना है, नीयत को, ये सारे दुआए मकारिमुल अख़लाक में अहले बैत अलैहिस्सलाम हमें समझा रहे हैं। तो हमने कहा कि शैतान बहुत बदबخت है, वो मुख्तलिफ टेक्निक से इंसान को गुमराह करता है। पहले तो शैतान की टेक्निक ये है, वो इंसान को अमल सालेह से रोकता है। उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो उसको अमल करने ही ना दे, वो उस नेकी की तरफ उसे जाने ही ना दे। ये पहला उसका हरबा है। मिसाल के तौर पर शब जुमा आती है तो इंसान नीयत करता है कि भाई एक ही हफ़्ते में शब जुमा है, तो कम अज़ कम मैं आज 15 मिनट पहले उठ जाऊँगा और नमाज शब पढ़ लूँगा, कम अज़ कम हफ़्ते में एक रात उसका बहुत ज़्यादा सवाब है, मैं पढ़ लूँ। लेकिन शैतान जब इसकी आँख खुलती है, ऐसा कहता नहीं, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, इसको सुलाता रहता है, डिले करता रहता है। तो इंसान कभी सोचे कि अगर मुझे पता चले कि मसलन मैं मकरूज़ हूँ और मुझे किसी का कर्ज़ा देना है, और मैंने चेक भी लिख दिया है, और कल अगर मैंने चेक उस शख्स का पास ना हुआ, मुझे जेल हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, और आपको पता चले आपका एक हमसाया है जो बहुत अच्छा है, और उसने कहा हुआ है कि हाँ भाई रात को मसलन 4:30 बजे आना, मैं उस वक्त उठता हूँ, और मसलन में मेरी फ़्लाइट है या मुझे कहीं चले जाना है, तो आप फिक्स 4:30 बजे सवेरे आना, यानी सुबह की नमाज से भी पहले आधा घंटा, और ये पैसे मुझसे ले लेना, और अपने दर्द सर और अपनी परेशानियों के जाकर दवा करना, इन पैसों से अपना कर्ज़ा जाकर अदा करना। तो अब 4:30 बजे का उसने टाइम दिया है और मुझे अपना कर्ज़ा अदा करना है, और ये शख्स अगर चला गया तो मेरा मसला हल कैसे होगा। तो आप देखिए, आप पूरी रात आप सो नहीं पाते, आप 10 लोगों को बोलते हैं कि मुझे उठाना, आप मोबाइल पे अलार्म रख देते हैं सोते वक्त, यानी उस टाइम से बिफ़ोर द टाइम आप 3-4 बार उठते हैं, कहीं 4:30 हो तो नहीं गए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपकी फ़्लाइट होती है, हाँ, 1 लाख में, 50,000 में, 70,000 में, आपने पूरी प्लानिंग बनाई होती है एक सफ़र पर जाने की, आपका जॉब इंटरव्यू होता है, तो आप किस जल्दी से, कितनी मेहनत से प्लानिंग करके उठते हैं। लेकिन इंसान को पता है कि ये 15 मिनट की नमाज शब है, जो जिसके सवाब के सामने, जिसके अजर के सामने, ये दुनिया तो 50-60 साल है ना, जो अबदी अजर देगा इस दुनिया में, जो आप नेकियां करते हैं उसका अजर खालिदीन है, यानी अबदी अजर है, टेम्प्रेरी नहीं है, फॉर एवर के लिए अनलिमिटेड उसका सवाब है। तो इंसान उसके लिए नहीं इतना परेशान होता। तो ये कौन है? ये शैतान है। एक उसकी पूरी कोशिश होती है मैं इसको अमल से रोकूँ, ये उस अमल के करीब ही ना जा पाए। अब इंसान वो अमल करनी करता ही नहीं है। अब अगर इसने देख लिया कि नहीं, ये अमल करने में कामयाब हो गया, 2 मजलिसें सुनी, 2 मौला के फरमान सुने, और ख़ुद मुहकम कर दिया, नहीं भाई नमाज शब तो पढ़ूंगा, वाजिब नमाज तो पढ़ूंगा, टाइम पे अदा करूंगा, जो भी वाजिबात और हैं उन पर डट गया कि मुझे करना। अब शैतान ने कहा मैं इसे रोक तो नहीं सकता,
अब ये मकाम आबिद पे आ गया है, यानी ये नमाजें पढ़ता है, ये रोज़े रखता है, ये झूठ नहीं बोलता, ये गीबत नहीं करता, ये नामहरम ख़वातीन की तरफ़ देखता नहीं, ये नामहरम उससे बातें नहीं करता। अब इसने देख लिया ये इस मकाम पे आ चुका है। अब दूसरा काम जो शैतान करता है उसका दूसरा, अब कहता है इसने अमल तो कर दिया, अब इसका काम है इसकी नीयत को ख़राब करो। ये इमाम फरमा रहे हैं, अय खुदा वफ़िर बिलुत्फ़िका नीयती, अय खुदा अपने लुत्फ से, यानी शैतान के हरबे भी हमें समझ नहीं आता। देखिए अगर खुदा लतीफ़ है, अगर वो अपनी हिकमतों में अपनी तदाबीर में बड़े बड़े काम बग़ैर शोर शराबे के करता है, तो शैतान भी यही टेक्निक्स अपनाता है। आपको पता ही नहीं चलता आप शैतान के झोंसे में आ जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता आप उसके वसवसों में आ जाते हैं। तो ये इमाम फरमा रहा है, खुदा मुझे मेरी नीयत को, यानी मैं अमल तो कर रहा हूँ अभी, अब इस अमल की जो नीयत है खुदा उसको शैतान के ख़तरों से बचाना, कहीं ये मेरी नीयत को फासिद न करते। अब मैं हदीस पढ़ूंगा, आप परेशान हो जाएंगे, ये मलऊन किन हरबों से और किन तरीक़ों से इंसान को तबाह बर्बाद कर देता है। कि फरमाते अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम, एक दिन मौला ने एक दीनार, बहुत प्यारी रिवायत है इंसान को समझ, एक दीनार मौला ने फ़कीर को दिया। रसूल खुदा की खिदमत में आए तो रसूल खुदा ने फरमाया, अली तुझे पता है कि आज तुमने कितना बड़ा कारनामा किया है? कहा या रसूल, एक ही दीनार दिया है। कहा तुमने एक दीनार 70 शैतानों के मुंह से निकाल के उस फकीर को दिया है। क्या मतलब या रसूल अल्लाह? कहा 70 शैतान वसवसे में थे, 70 शैतान इस चक्कर में थे कि ये एक दीनार तुम्हारी जेब से ना निकले। इसका मतलब हमारे एक कार्य खैर को रोकने के लिए 70 शयातीन पीछे लगे होते हैं। आप ये मत समझे सुबह की नमाज, नमाज ज़ोहर, नमाज असर टाइम पे पढ़ना, बाज ये बहुत होता है। लोग कहते हैं मौलाना जम उबैन सलातें, मसलन ज़ोहर असर को हम साथ पढ़ें या नमाज मगरिब इशा को साथ पढ़ें, तो मैं कहता हूँ हाँ साथ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फजीलत ये कि उसको फजीलत के टाइम पे पढ़ें। मतलब मगरिब जैसे अजान हुई फौरन गुरूब का वक्त हो मगरिब पढ़ें, कोई एक घंटे का वक्त दे के जब पूरी स्याही होगी तो फिर इशा पढ़ें। इसी तरह आयतुल्लाह बेहजत भी जोहर असर को अलग करके पढ़ते थे, लेकिन अक्सर लोगों का ये गिला आता है मौलाना जोहर पढ़ी ऐसा भूल गए, हाँ मगरिब पढ़ी अपना असर, मसलन जोहर पढ़ी असर भूल गए, मगरिब पढ़ी इशा 12 बजे याद आई, 1 बजे याद आई। तो देखिए आदत नहीं है ना, पहले नमाज़ें मिलाकर पढ़ो, और जब कंप्लीट तुम 1 साल या 4 महीने या 5 महीने देख रहे हो मैं टाइम पे पढ़ रहा हूँ कम्प्लीटली, दोनों को मिला मिला के भी टाइम पे पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब आपका विल पावर इरादा मजबूत हो गया। अब आप इसको अलग भी करना चाहो तो कर दो, क्योंकि इरादा मजबूत हो चुका है। लेकिन अब इरादा मजबूत है ही नहीं, पहले ही आदमी बड़ी छलांग लगाना चाहता है कि मैं ये करना चाहता हूँ मौलाना, भाई पहले ए को पास करो फिर बी फिर सी, आगे आगे बढ़ो ना आहिस्ता आहिस्ता इंसान। लेकिन शैतान आपको कहता नहीं ये नेक काम है, बड़ा सवाब है, आयतुल्लाह बेहजत ये करते थे अलग पढ़ते थे, वो अलग के चक्कर में उसकी डेली नमाजी ख़ज़ा हो जाती है, ठीक है ना। तो पहला काम वो करने नहीं देता, जब आप अमल को जामे अमल पहना देते हो तो उसके बाद वो आपकी नीयत को क्या करते ख़राब करता है। तो ये रसूल खुदा फरमाते अली एक सिक्के के पीछे 70 शयातीन पीछे लगे हुए थे। अब आप रोड पर जा रहे हैं, एक फ़कीर है ज़रूरतमंद है, अब आपने जेब में हाथ डाला, अब मसलन आपके जेब से 500 का ही नोट था, अब आपने कहा, अचानक शैतान वसवसा करता है नहीं इससे भी कोई ज़्यादा ज़रूरतमंद फ़कीर होगा, इसको 500 की देने की ज़रूरत क्या है। अब आपके जहन में आता है मैं किसी और ज़रूरतमंद को पैसे दूं, अब आप आगे बढ़ते हैं, या वो फ़कीर मिलता नहीं है या 500 खर्च हो जाते हैं, फिर एक दिन ज़रूरतमंद आ भी जाता है आपके सामने जेब में हाथ डालते हो पैसे ही नहीं होते। तो इस तरह शैतान आपको गुमराह कर देता है, वसवसे डाल देता है। लेकिन मासूम फरमाते हैं फ़कीर सामने आया पैसे दो, ये कहो अल्लाह ये माल मेरा तो नहीं है, ये तेरे बंदे का है, मैं भी तुम्हारी मिल्कियत हूँ, कायनात की हर दौलत ममलूक है ना, वो मालिक हैं ममलूक हैं, हम उसकी मिल्कियत हैं, खुदा तुम्हारी मिल्कियत को दे रहा हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, हाँ दे रहा हूँ इंशाल्लाह तुम ज़्यादा दोगे, आगे कोई और ज़रूरतमंद आया मैं उसे दे दूँगा। तो हमारे उस्ताद कहते थे कि शैतान को भी वो तुम्हें गुमराह करता तुम उसे गुमराह करो। हमने कहा वो कैसे? कहा देखो नमाज का वक्त होता है या कोई अच्छा काम करना होता है, शैतान कहता है चलो अभी थोड़ी देर है अभी थोड़ी देर है, या कहता है आज नहीं कल कर लेना, हाँ कभी वो ये नहीं कहता ना करो, यहाँ कहेगा थोड़ी देर के बाद, यहाँ कहेगा नहीं नेक्स्ट डे कल कर देना, कल दे देना, कल अच्छा काम है, कल कज़ा पढ़ लेना। आज आप कहते हो नमाज अपनी कल की कज़ा पढ़ो, कहते नहीं कल कज़ा कर लेना, अब भैया मेरे रोज़े कज़ा थे आज रख लूँगा, नहीं नहीं कल रख लेना अभी तो महीने बाकी हैं अभी तो रमज़ान दूर है, ये करते करते आपको ले जाता है। अगर शैतान ऐसे कहे ना कि कल कर देना, तुम शैतान को करना नहीं आज टाइम पर पढ़ता हूँ
कल लेट कर लूँगा, फिर कल कहना नहीं नहीं आज करता हूँ परसों ये कर लूँगा। तुम शैतान को करना मैं आज पढ़ रहा हूँ कल डिले करूँगा, फिर कल कहना आज पढ़ रहा हूँ परसों डिले करूँगा, आखिर में ये समझ जाए कि ये मुझसे भी थोड़ा ज़्यादा होशियार है, वो मुझे धोखा दे रहा है। तो दुश्मन शिनासी में फिर कह रहा हूँ, दुनिया की बड़ी बड़ी अफवाज और फौजें इंटेलिजेंस इदारे क्यों बनाती हैं, वो आपके मुल्कों में आकर अपने इदारे क्यों खोलती हैं। अब ख़ुद अमरीका ने आप मुशरफ के ज़माने के बाद पाकिस्तान तो बचा ही नहीं है ना, कोई इंटेलिजेंस एजेंसी हमारे मुल्क में ना, 20-20 एकड़ के हमने उनको ज़मीनें दे दी सिर्फ कौंसुलेट के लिए ना, तो उन्होंने अपने इदारे खोल दिए। क्यों खोलते हैं? ताकि वो जाने आप क्या कर रहे हो, कौन सी टेक्निक कर रहे हो, कौन से असलहे बना रहे हो, कौन सी तरकीबें बना रहे हो। दुश्मन शिकस्त आपको आसानी से दे देता है, बड़े से बड़ा मुल्क हो अगर लेकिन उसको आपकी तरकीब का पता ना हो और आपको उसकी तरकीब का पता, आप उस मुल्क को शिकस्त दे सकते हो। तो असल होती है दुश्मन शिनासी, ये जानना कि दुश्मन कर क्या रहा है। शैतान शिनास जब तक हम नहीं बनेंगे, जब तक हम शैतान को नहीं पहचानेंगे, उसके हरबों को, क्यों जंगे सिफीन होती है, क्योंकि वो माविया को नहीं जानते थे, उसके हरबों को अमर इब्ने आस को नहीं जानते थे कि ये कैसी कैसी खबासतें कर सकते हैं, उसके झोंसे में आ गए। मौला अली जानते थे, मालिक अश्तर जानते थे, इमाम समझा भी रहे थे। अब क्योंकि वो शिनासाई नहीं रखते थे कि हमारे सामने भोले थे कि दुश्मन हमारा कितना होशियार है, तो वो दुश्मन के झांसे में नहीं आते। जो अपने दुश्मन को सादा लो समझे उसकी सादगी में आ जाता है, लेकिन जो दुश्मन को होशियार समझे वो कभी भी उसके धोखे में नहीं आता। आज हमारे हुक्मरान अमेरिका के धोखे में, इसराइल के धोखे में, सब दुनिया के धोखों में हम चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास दुश्मन शिनासी नहीं है। अहले बैत का कमाल ये था, उन्होंने कहा सबसे बदतर दुश्मन जो तुम्हारे साथ है, चलो ये मुल्क को नुकसान देंगे, जान व माल को नुकसान देंगे, लेकिन ये शैतान तुम्हारी कब्र को, तुम्हारी आखिरत को, जो फॉर एवर तुम्हारी लाइफ आए उस लाइफ को नुकसान देता है, तो दुश्मन शिनास बन। तो पहले तो ये शैतान तुम्हें अमल करने नहीं देता, उसके बाद ये मलून क्या करता है, तुम्हारी नियत को ख़राब करता है। इसीलिए कहते अल्लाहुम्मा वफ़िर बिलुत्फ़ की नियत, है खुदा मेरी नियत को शैतान के ख्यालों से बचा। असल आप मासूम की ज़्यारत के लिए जाते हैं, कितना टाइम लगता है ज़्यारत अमीनुल्लाह पढ़ने में, इतने लोग हरमाए मासूमीन में जाते हैं, कभी करबला, कभी इराक, कभी कहाँ कभी कहाँ, बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन शैतान कहते नहीं छोटी ज़्यारत पढ़ लो निकल जाओ। भाई मैं ख़र्चा करके अहले बैत की ज़्यारत घूमने के लिए आया हूँ, होटल में बैठने के लिए आया हूँ, आखिरत बनाने के लिए, अल्लाह जाने फिर ज़्यारत नसीब हो कि नहीं हो, ये दो दिन मेरे हैं, फिर मेरा जिस्म कब्र में पड़ा होगा। वो ज़्यारत अमीनुल्लाह जिसका फरमाते हैं 70 मकबूल उम्रों का सवाब है, वो आदमी नहीं पढ़ता, तर्क कर देता है। इसी तरह शैतान वसवसे करके हमारे अमाल को टालता रहता है। अब सुनिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, ये बहुत प्यारी रिवायत है, और इस रिवायत को जहनों में बिठा दें, अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, मैं बार बार कह रहा हूँ ये अखलाक के दुरूस, ये बहुत अजीम उस्ताद के हमें मिले हैं जिनकी हम समझें आपकी खिदमत में, सिर्फ तर्जुमा आपकी खिदमत में रख रहे हैं, हमारे इसमें कोई भी इतनी कोई बड़ी मेहनत और जहमत भी नहीं है। शायद ये चंद दुरूस हमारी आखिरत के लिए, हमारी कब्र के लिए, और इस दुनिया से हम चले जाएँ तो कम अज़ कम ऐसी चीज़ें रख के जाएँ कि जब तक लोग इससे इस्तफादा करते रहें तो कम अज़ कम हमें भी और हमारे असातिज़ा को भी परवरदिगार आलम तौफीक दे और फ़ायदा दे, शायद ही हमारी कब्र में काम आ जाए। तो ये हदीस अपने बच्चों को सिखा लें। दरस अखलाक का मतलब ये होता है कि कम अज़ कम वीकली वंस अ वीकली में, जब तक ज़िंदा रहा मेरी कोशिश ये रहेगी, तफसीर कुरान भी शुरू किया लेकिन इन दरसों की वजह से थोड़ा उसको डिले किया है, एक कम्प्लीट तफसीर कुरान के दुरूस और दरस अखलाक जब तक हम रहे इंशाल्लाह, वीकली कम अज़ कम रमज़ान के बाद हम एक एक दर्स देते रहेंगे ताकि लोग इस्तफादा करते रहें। तो इमाम हसन अस्करी अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल इशराकु फिन्नास, लोगों में जो शिर्क है, यानी कोई बंदा कहेगा मैं मुशरिक हूँ, कोई नहीं कहेगा, मैं कहूँगा मैं मुशरिक हूँ नहीं, शायद मैं अंदर से हूँ, आप कहेंगे आप मुशरिक हैं नहीं, आप अंदर से होंगे, और आप कहेंगे मौलाना ये कैसे हो सकता है मैं मुशरिक हो जाऊँ, मैंने किसी को अल्लाह का शरीक नहीं बनाया। फिर मासूम फरमाते हैं हाँ, लोग मुशरिक हैं अंदर से, और इनका शिर्क इतना बारीक और इतना छोटा इनको भी पता नहीं चलता। फरमाते हैं शिर्क को देखना, शिर्क को समझना, शिर्क को परखना बहुत मुश्किल है। फरमाते हैं इशराकु फिन्नास अख्फा, ये जो शिर्क है लोगों में अख्फा, छुपा हुआ है, मिन दबीबिन नमल अलल मसहिल अस्वद फी लैलतिल मुज़लिमा, ये शिर्क कितना है, एक चूंटी तारीक रात में पत्थर पर चले, यानी ऐसे समझें कि चूंटी, चूंटी होती है लाल या काली होती है, ठीक है ना, एक काली चूंटी एक काले पत्थर पर चले एक अंधेरी और जुल्मत भरी रात में, धूप अंधेरा हो, आप देख सकोगे उस चूंटी को? नहीं
नहीं देख सकोगे। हमें हमारा शिर्क नज़र ही नहीं आता, इतना ये छुपा हुआ है इंसान के तह में, हमें नज़र नहीं आता। जब आप सूरह हम पढ़ते, मैंने कंप्लीट सूरह हम की तफसीर दी, मुख्तसर है, उसको सुन लिया करें 10 to 15 minutes की। उसमें जब हम कहते हैं इयाक नअबुद, नअबुद इयाक नहीं है, इयाक तेरी ही बंदगी करता हूँ, तेरी ही। एक मरतब आप किसी को कहते हैं कि आप मुझे पसंद हैं, अम्मा आप मुझे पसंद हैं, लेकिन फिर कहते हैं बहन तुम भी मुझे पसंद हो, बीवी तुम भी मुझे पसंद हो, भाई तुम भी मुझे पसंद हो। अगर कहते हैं नअबुद इयाक तो ये तर्जुमा होता, अल्लाह मैं तेरी बंदगी करता हूँ, उस फिर शोहरत की भी बंदगी में हूँ, माल की भी बंदगी में हूँ, सब की भी। लेकिन जब आप कहते हैं ना इयाक है, अय खुदा मैं तेरी ही बंदगी में हूँ। एक मरतबा कहते हैं अम्मी बस मैं आपसे, बस मैं आपसे ही प्यार करता हूँ, जहाँ पर इसको हसर मिला देते हैं ना, तो ये कंप्लीट इबादत है जिस पर, जिन जुमलों पर आयतुल्लाह बेहजत रोते थे। लेकिन एक मरतबा हम नमाज तो पढ़ रहे हैं लेकिन उसमें शरीक है, कभी शोहरत है, कभी हुब्बेजात है, मजलिस तो पढ़ रहा हूँ कभी माल के लिए, जिक्र हलवे तो कर रहा हूँ नाम के लिए, शोहरत के लिए, व्यूज़ कितने हैं, सब्सक्राइबर्स कितने हैं, यही तो चक्कर है ना जिनमें आज हम फंसे हुए हैं। तो अंदर में क्या है, शिर्क है। फरमाते हैं कि एक अंधेरी रात में काले पत्थर पर एक चूंटी चले, इतना नाजुक है, इतनी जुल्मत भरा शिर्क है जो इंसान को, जिससे पता नहीं चलता। और ये कैसे है, ये कौन करता है, ये शैतान है जो तुम्हारी नीयत को ख़राब कर देता है और तुम्हें मुशरिक बना देता है। कि मैंने पिछली निशस्त में अर्ज़ किया था कि दो लोग मस्जिद में गए, एक आबिद था एक फासिक था, लेकिन जब बाहर निकले आबिद फासिक बन गया और फासिक आबिद बन चुका था। क्यों? क्योंकि शैतान ने उसकी नीयत को ख़राब कर दिया था। ये जो अमल करता अभी बड़ी खुशी से कहता है मैंने वाकयान अल्लाह के लिए अमल किया है, ये मैंने अहले अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में किया है, वो कसम भी खाता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहता है, लेकिन फिर भी उसके अमल में शिर्क है। कैसे है ये आप सुन लें। हज़रत इमाम बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल इबका अल अमल अशद्दु मिन अल अमल। अमल करना आसान है, नमाज पढ़नी आसान है, मजलिस पढ़ना आसान है, जिक्र अहलबैत करना आसान है। मेरे अज़ीज़ नूह ख़ान, मरसी ख़ान, ये मरसी पढ़ना, नूहें पढ़ना, नातें पढ़ना, ये आसान है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं। आपको अच्छी आवाज़ है आप पढ़ लीजिए, आप शायर हो, मैं मजलिस पढ़ सकता हूँ, आप नूहें पढ़ सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन मेरे पाँचवें इमाम फरमाते हैं कि इबका अलल अमल अशद्दु मिनल अमल, लेकिन इस अमल को बाकी रखना ये बहुत मुश्किल काम है। नमाज तो पढ़ ली लेकिन नमाज की बका, उलाएक हबतत अमालुम, हब्त ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए, इसकी बका यानी जब तक जिंदा हो इसको बाकी रखो। रसूल के साथ जंगों में हिस्सा लिया लेकिन क्या तुम्हारे अमाल बाकी रहे? अली के साथ जंगों में हिस्सा लिया, शेमर शामिल था जंगे सिफीन में, लेकिन क्या इसका अमल बाकी रहा? अमल को बाकी रखना ये सबसे बड़ी अहमियत का अमल। अब रिवायत सुनिए, फरमाते वमल इबका अलल अमल, मौला अमल को कैसे बचाएँ? मिसाल के तौर पे मैं गोश्त लेकर आए, इस गोश्त को मैं कैसे बचाऊं? एक तो ये मैं इसको फ्रीज़ कर दूं, फ्रीज़र में रख दूं, तो ये ख़राब नहीं होगा, ये फासिद नहीं होगा, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। मौला मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ को क्या करूं मैं? फ्रीज़र में डाल दूं ताकि मेरी नमाज़ बाकी रहे, मेरे रोज़े बाकी रहें, करूँ तो क्या करूँ इसके लिए मैं? तो इमाम फरमाते हैं, मिसाल देते, इमाम फरमाते हैं यसिलु रजुलु बिसिलतिन व यनफिकु नफ़क़तन लिल्लाहि वहदहू ला शरीक। एक शख्स है, एक इंसान है, वो अल्लाह की राह में खिदमत करना चाहता है, एक सिला खिदमत करना चाहता है और इन्फाक करता है नफ़का, अल्लाह की राह में कुछ इन्फाक करता है और कहता है कि या अल्लाह मैं तेरी राह में इन्फाक कर रहा हूँ, नफ़क़तन लिल्लाह वहदहू ला शरीक लह, वो खुदा जो किसी, वो इसका शरीक नहीं, इस नीयत से वो इन्फाक करता है, यानी खालिसतन अल्लाह की राह में। मसलन एक जगह से गुजर रहा है, एक फ़कीर को देखता है, जब मैं हाथ डालता है उसकी मदद करता है, दोस्त इसके पास आता है, दोस्त मेरी फ़ीस पर भरनी है, मेरी मसलन बहन की शादी है, कोई भी आता है इसके पास मदद के लिए, ये खालिसतन लिल्लाह वहदहु ला शरीक, इमाम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, यानी खालिसतन खलूस के साथ एक अमल अंजाम देता है सिर्फ परवरदिगार आलम के लिए। ये जेब से पैसे निकालता है, माल निकालता है, कोई भी मदद, कोई भी इन्फाक व अल्लाह की राह में ये करता है। जब ये अमल कर देता है, अब देखिए ये हमें कौन मासूम बता सकते हैं कि शैतान के दाखिल होने के रास्ते कौन से? हमें तो नहीं पता, वल्लाह हमें नहीं पता, ये अलवैद बताएंगे। अब देखो तुमने अमल तो कर दिया, अब देखो शैतान किस खिड़की से दाखिल होगा। ये बदबख्त तुम्हें जब तक जिंदा हो कतअन नहीं, इसने कसम खाई हुई है, और ये जितना इसका विल पावर मजबूत है, और मौलवी फरमाते हैं ना कि वो अपने बातिल पर जितना मजबूत है तुम अपने हक़ पर इतना मजबूत नहीं हो। वो तो बड़ी मजबूती से और मेहनत से काम कर रहा है लेकिन हम बड़े बेख्याल हैं। तो कहा कि फतक तबू लहू सर्रन,
जब इसने इस खलूस नीयत से अपनी दोस्त की मदद की तो खुदा की आवाज़ आएगी मलाइकों, लिखो इसने इन्फाक किया मेरी राह में सिर्रन, छुप कर। दुआ अरबी में लफ्ज़ हैं अलानियतन व सिर्रन। अलानियन यानी दिखा के कोई काम करना, सिर्रन छुपा के। अब ज़रूरी नहीं कि हम कोई काम दिखा के करें तो उसमें खलूस ना हो, ये भी तो नहीं है। मिसाल के तौर पर मौला के हरम में जा रहे हैं, आप अरबईन पे जा रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो ये नहीं कि उस काम में खलूस ना हो। दोनों काम खालिस हो सकते हैं, यानी छुपा हुआ काम भी खालिस हो सकता है, और अगर कोई इंसान दिखा कर बग़ैर रिया के अल्लाह की राह में कोई काम करें, जैसे ज़ियारत पर जाना, ज़ियारत पढ़ना, अरबईन की वॉक करना, उसमें भी खलूस हो सकता है। दोनों अमल अच्छे हैं और काबिल कबूल हैं, लेकिन फरमाते हैं बेहतर सिर्रन है, वो काम बेहतर होता है जो इंसान छुप के करता है, मख्फी काम जो होते हैं वो बेहतर होता है। अब यहाँ पर अजीब मासूम का जुमला, इसने खालिसतन अल्लाह की राह में काम किया, अल्लाह ने कहा फतक्तुब लहू सिर्रन, लिख दो कि इसने छुप कर सिर्रन मेरी राह में मेरे किसी बंदे की मदद की या इन्फाक किया। अब ज़िंदगी के दिन गुजरते गए, मिसाल दे रहा हूँ, एक साल, दो साल, तीन साल गुजर गए। तीन साल गुजरने के बाद चार दोस्त पुराने आपस में बैठे थे, बातें कर रहे थे, और जिक्र हुआ, भाई फलां आप दोस्त कहाँ हैं? इसने कहा हाँ वो काफ़ी अरसा पहले मुझसे मिला था और परेशान था, मसलन यूनिवर्सिटी के लिए या बहन की शादी के लिए कोई भी मसला था, मैंने उसकी मसलन 10,000, 5,000, 50,000 इतनी मदद की थी। जो काम इसने तीन चार साल पहले किया था, अब इतना अरसा गुजरने के बाद दोस्तों की महफिल में बैठकर अपनी उस नेकी का अगर जिक्र करे, सुम यज़कुरुहा फतुमहा फतक्तुबु लहु अलानियतन, फिर अगर इसका जिक्र करे तो मासूम फरमाते हैं अल्लाह का हुक्म आएगा, अब मिटा दो जो तुमने सिर्रन लिखा था, अब लिख दो अलानिया। इसने वो जो नेकी की, पाँच साल गुजर गए, अब इसने जिक्र किया, अल्लाह कहेगा अब लिखो अलानियतन, इसने वो नेकी दिखा कर की थी, एक मरतबा छुपा कर की थी, दिखा कर। यानी शैतान ने बड़ी आसानी से चार दोस्तों के बीच में इसके जहन में ये ख्याल डाला, इसने बात की, आधा सवाब इसका तमहुआ, आधा सवाब उसका क्या हो गया, मिट गया, आधा सवाब इसका ख़त्म हो गया। अब फरमाते फिर काफ़ी अरसा गुजर गया, फिर काफ़ी अरसा गुजर गया, मसलन एक दो साल और गुजर गए, फिर अपनी फैमिली में बैठा था या वो दोस्त आया किसी दोस्तों के साथ, मसलन फिर इसने जिक्र किया, हाँ भाई मैंने फलां बंदे की मदद की थी, सुम यज़कुरुहा फतुमहा वतुक्तबु लहु रियाअन, अल्लाहु अकबर। अब खुदा कहेगा सिर्रन भी तुमने मिटाओ, अलानियतन को भी मिटा दो, अब लिखो रियाअन। एक बार जिक्र करता है बंदा, गलती हो जाती है, लेकिन तू बार बार उस चीज़ को जिक्र कर रहा है, मैंने ये नेकी की, मैंने इमाम बारगाह बनाया, मैंने इमाम बारगाह बनाया, मैंने चंदा दिया, मैंने चंदा दिया, लिख लो कि इसने अमल तो किया लेकिन रिया अन रिया में किया, शिर्क में इसका अमल बदल गया, सवाब ख़त्म हो गया और ये बंदा रियाकार बन गया। एक अच्छे अमल की वजह से इसने ख़ुद को शैतान के हवाले कर दिया और अपने अमल को तबाह व बर्बाद कर दिया, उसकी कीमत को गिरा दिया। इसीलिए मेरे छठे इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं सैयअति अलन्नास ज़मानुन, एक वक्त आएगा लोगों पर, एक वक्त आएगा लोगों पर कि उस वक्त में उनका जो बातिन होगा वो बहुत गंदा, पलीत और कसीफ होगा, पर उनका ज़ाहिर बहुत अच्छा होगा, अच्छे अच्छे इमामे, अच्छे अच्छा लिबास, अच्छी अच्छी पगड़ियाँ, माशाल्लाह खूबसूरत खूबसूरत दाढ़ियाँ, ऐसा ज़ाहिर अच्छा होगा, नातें पढ़ेंगे, मरसिए पढ़ेंगे, नूहें पढ़ेंगे, मातम करेंगे, अज़ादारियाँ करेंगे, एक वक्त आएगा नमाज़ें पढ़ेंगे, तरावियाँ पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी, यानी जिनका ज़ाहिर बहुत खूबसूरत, बहुत ज़ाहिर खूबसूरत होगा, लेकिन इमाम फरमाते हैं उनका बातिन कसीफ और नजिस होगा। लला युरीदुन भी इंद रब्बिहिम, वो ये जितने भी काम करेंगे ना, नेकियाँ करेंगे, अल्लाह के लिए नहीं करेंगे, कयामत के लिए नहीं करेंगे, कब्र के लिए नहीं करेंगे। यकूनु दीनुहुम रिया, इनका दीन सिर्फ रियाकारी, सिर्फ दिखावा, सिर्फ शोहरत, सिर्फ दुनिया तलबी और लोगों को दिखाने के लिए होगा। ये हरम जाएंगे दिखावे के लिए, ये नोहे पढ़ेंगे दिखावे के लिए, ये मजलिसें मिंबर पर आएंगे, लोगों को दरस अखलाक देंगे, सारी चीज़ें इनकी किसके लिए होंगे, वला युखालिफुहुम खौफुन, बिल्कुल नहीं डरेंगे अल्लाह से, दिल में खौफ नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी। इमाम फरमाते हैं आमाल सब कुछ करेंगे लेकिन ये सब कुछ किस में करेंगे, दिखावे के लिए। अब इमाम फरमाते फयदऊनहु दुआ गरीक, अब ऐसे बंदे जिस तरह एक आदमी दरिया में ख़ुद को डुबो दे, गर्क हो जाए,
दरिया में गर्क हो जाए, ये गर्क होकर दरिया में गरीक होकर अल्लाह से फरियादे करेंगे, यानी इतना रोएंगे, इतना गिरिया करेंगे कि आप परेशान हो, लेकिन खुदा इनकी आवाज़ पे आवाज़ नहीं देगा। गिड़गिड़ा कर थक जाएंगे, गरीक यानी जिस तरह बंदा डूबा हुआ होता है, इस तरह डूब के अल्लाह की राह में दुआ करेंगे, लेकिन अल्लाह करेगा जाओ जिनके लिए तुमने नमाजें पढ़ी थी, जिस दिखावे के लिए तुमने किया था, जाकर उनसे मांगो मेरे दर पर क्यों आए हो। क्यों इमाम सज्जाद अल्लाह की महजर में गिदाई कर रहे हैं, फ़कीरी कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िर नियती, ए खुदा मेरी नीयत को अपने लुत्फ़ व करम से, शैतान की ख़तरों से मेरी नीयत को बचा। कहीं ये हमारे आमाल तो हम अंजाम दें, पहली मरहला है अमल करना, उसके बाद दूसरा मरहला आता है इस अमल को शैतान की नीयत को पाक करना। आज ये राशन, ये गरीबों में ग़ज़ाएँ तकसीम, ये लोगों की मदद, ये इमामबाड़े बनाना, हम कितने उस रियाकारी में चले गए हैं कि सिर्फ दिखावे के लिए हम काम कर रहे हैं। और परवरदिगार आलम हम सबको तौफीक दे, एक वाक़िया और ज़हमत को तमाम करूँ। नजफ़ से एक उस्ताद थे, हाज मोहम्मद इस्फ़ानी आयतुल्ला सैयद मेहदी इस्फ़ानी, ये जब नजफ़ से आए थे, ये बहुत बड़े फ़िलसूफ़ और बहुत बड़े फ़कीर इल्म उसूल के थे, बहुत बड़े उस्ताद थे। लेकिन जब मशहद में नजफ़ से मशहद आए, तो मशहद में इनको कोई जानता नहीं था। मशहद में एक और बहुत बड़े आयतुल्ला थे, आयतुल्ला हाशिम क़ज़बीनी, सैयद हाशिम क़ज़बीनी, तो ये दर्स दिया करते थे। एक दिन ये आयतुल्ला मेहदी इस्फ़ानी जो हैं उनके दर्स में चले गए, नजफ़ से जो आए थे, जो बहुत बड़े उस्ताद थे समझे आयतुल्ला कैटेगरी के, तो इन सैयद हाशिम क़ज़बीनी की क्लास में चले गए और जिस तरह शागिर्दों की सफ़ों में बैठ गए, तो वो दर्स दे रहे थे। दर्स के बाद ज़ाहिर शागिर सवाल जवाब करते हैं उस्ताद से, तो इन्होंने एक सवाल किया, उन्होंने जवाब दिया, दूसरा इश्काल किया, जवाब दिया, तीसरा एतराज़ किया, जवाब दिया, चौथा एतराज़, वो परेशान हो गए, इतना पढ़ा लिखा बंदा मेरी शागिर्दी में कैसे बैठा। दूसरे दिन गए, फिर सवाल, चौथे दिन गए, अब उन्होंने देखा भाई ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है। तो ये सैयद हाशिम अपना क़ज़बीनी साहब जो थे, ये एक दिन दर्स कर रहे थे और वो सवाल कर रहे थे, ये मिंबर से उतरे यानी कुर्सी तदरीस से उतरे, और उतरने के बाद इन्होंने आगा इस्फ़ानी साहब को वहाँ से उठाया, उठाने के बाद अपनी कुर्सी पे बिठाया, कहा कि आज के बाद मैं नीचे बैठूँगा, आप दर्स देंगे। मशहद में उस दिन के बाद इन्होंने अपनी कुर्सी उनके हवाले की, और उस दिन जब तक ये ज़िंदा थे ये नीचे बैठते थे, उनकी शागिर्दी में उनका दर्स सुनते थे। ये बात आपके लिए शायद बहुत आसान हो, लेकिन जो मौलवी हजरात हैं वो समझ सकते हैं कि अपनी कुर्सी किसी और को देना कितना मुश्किल होता है। तो ये जिसकी नीयत अच्छी हो ऐज़ान मोहतरम, ये वो उलमा थे, अपनी कुर्सी दे दी, भाई आप बैठो, आज एक छोटी सी कुर्सी मिल जाए ना किसी चौकीदार की कुर्सी, वो भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं होता। नीयत पाक थी, देख लिया ये आलम है, इसमें आलमियत है, लाहिर ये ज़्यादा लायक है इस कुर्सी पर बैठने का। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िर नियती, ऐ खुदा मेरी नीयत को अपने लुत्फ़ व करम से बचा, और इसको शैतान के वसवसों से और शैतान की निगाहों से बचा के रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।